चलिए आज बनाते हैं प्याज की कटोरी चाट। ये रेसिपी मैंने ऑनलाइन देखी थी बट इसमें मैंने थोड़े से अपने चेंजेस किए हैं। इसके लिए लेते हैं थोड़ा सा बेसन, चावल का आटा, सूजी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा दही और पानी डालकर इसको फूलने देने के लिए बैटर को साइड में रख देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इससे पकौड़ियों का टेस्ट एकदम बदल जाता है। अब बनाएंगे थोड़ा सा चाट का मिक्सचर, जिसके लिए लिए हैं हमने उबले हुए आलू, बारीक कटा धनिया, टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्ची और थोड़ा सा बारीक कटा प्याज। इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची और इसको भी अब हम साइड रख देंगे। अब इसके बाद प्याज की कटोरियों की पकौड़ी बनाने के लिए प्याज को आधा काट के ऐसे अलग अलग करके बैटर में कोट करके इसको डीप फ्राई करेंगे। ऐसा करने के बाद ये जैसी रेसिपी में था वैसे नहीं फूलेगा, थोड़ा सा जैसा आपको दिख रहा है वैसा फूलेगा बट क्रिस्प बहुत ज़्यादा होगा। इसमें आप भरेंगे चाट वाला मिक्सचर, ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी हरी चटनी और दही का मिक्सचर, थोड़ी सी सौंठ और थोड़ी सी भुजिया या फिर सेव और उसके ऊपर थोड़ा बारीक कटा प्याज। इस रेसिपी को खाने के बाद आपको जो मज़ा आने वाला है, अगर नहीं आया तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं। बाय।